हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको जो कुछ एक न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे ओवरऑल जो फार्मूलाज रहेंगे वो क्या रहेंगे, ये हमने अपने डेरिवेशन से सोल्व किया था फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। जब हम नेचुरल लॉग को हटाते हैं या से रिमूव कराते हैं और लॉग ऑफ द बेस 10 में इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2.303 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देन हमारा नेचुरल लॉग जो है लॉग ऑफ द बेस 10 में चेंज होता है। तो हम ये फार्मूला जो सेकंड फार्मूला है इसी का मॉडिफाइड फार्मूला है। टी हाफ हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था 0.693 बाय के, दिस इज़ द रेट कांस्टेंट। एक इक्वेशन और भी वहाँ से हमने फार्मूला सोल्व किया था, क्या था कि जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन था देर इज़ द ए एट अ टाइम टी विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल टर्म पावर द नेगेटिव के टी, के इज़ द रेट कांस्टेंट, टी इज़ द टाइम। अगर अब हमें परसेंटेज एक्टिविटी निकालनी है तो हम वही करेंगे, अपने कंसंट्रेशन का डिवीज़न करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हमें ये निकालना है कि एन हाफ लाइफ टाइम के बाद हमारा कितना सब्सटेंस लेफ्ट रहता है तो वो हम कैसे निकालेंगे, जितनी भी हाफ लाइफ टाइम दे रखी होंगी उसके ऐसे ये हमारा कितना रहेगा, हमारा कितना सब्सटेंस लेफ्ट रहा है इनिशियल को जितनी हाफ लाइफ टाइम दे रखी होंगी उसका 2 का स्क्वायर करके, जैसे 2 हाफ लाइफ टाइम दी आपको, कितनी दी 2 हाफ लाइफ टाइम दी, ये 2 हाफ लाइफ टाइम से हम क्या करेंगे 2 का स्केयर करेंगे और आपकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। अब अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम ही निकालनी है तो जो भी आपको टोटल टाइम गिवन होगा उसको हम टी हाफ से डिवाइड कर देंगे। एवरेज लाइफ अगर हमें निकालनी इसको हम टाओ बोलेंगे 1 बाय के, यानी कि 1 बाय रेट कॉन्स्टेंट करेंगे। रेट कॉन्स्टेंट हमारा क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट अभी मैंने आपको यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला दिखाया था क्या होता है, ये देखिए ये रिलेशन हमारा यहाँ से बन सकता है, यानी कि अगर हम के को कैलकुलेट करें यहाँ से तो के हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ था हमारा क्या टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के, अगर हमें के को कैलकुलेट करना था कितना 0.693 बाय टी हाफ, ये देखिए इसको हमने यहाँ पे मॉडिफाई करके नोट किया है। तो यहाँ से हम एवरेज लाइफ निकाल सकते हैं ना। अब जो है हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, वो देखिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.15 ग्राम आउट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेंस बिहाइंड, व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ पीरियड। देखो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखे है, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखे है, टाइम गिवन है, हमें क्या निकालना है टी हाफ निकालना है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि टी हाफ में हमें किस किस की रिक्वायरमेंट रहेगी। टी हाफ हमारे पास क्या होता है 0.693 बाय के रेट कांस्टेंट, जो कि रेट कांस्टेंट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होगा। रेट कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है के इज़ इक्वल टू 2.303 बाय टी इनटू में यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ये हमारे पास गिवन है, ये गिवन है, टी गिवन है। टी आप देख सकते हैं देयर इज़ अ 24 आवर्स, ये हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन एंड दिस वन इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन। हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, सो के रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 2.303 बाय 24 लॉगरिथम ऑफ देयर इज़ द 1 बाय 0.125 ग्राम, ये हो जाए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है नियर अबाउट आएगा यहाँ पे 0.0866 पर आवर, क्लियर। क्योंकि हमें पता है रेट कांस्टेंट की जो है फर्स्ट ऑर्डर में क्या यूनिट होती है, ओनली टाइम में ही हमारी यूनिट आती है इसकी, बाकी और नहीं आएगा। अब देखिए टी हाफ अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय दैट वैल्यू, इसका आंसर आपका नियर अबाउट आ जाएगा 7.997 आवर, नियरली इक्वल टू 8 आवर हम इसका आंसर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ I-53125 इज आयोडीन है हमारे पास, ये इज 60 डेज, यानी कि हाफ लाइफ टी हाफ हमें कितना दिया है, देयर इज द टी हाफ इज इक्वल टू 60 डेज। उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिविटी वुड बी प्रेजेंट आफ्टर 180 डेज, ये कहता है कि 180 दिनों के बाद हमारी कितनी परसेंट हमें जो है ओरिजिनल रेडियो एक्टिव
मिलेगा, कितना रहेगा 180 दिनों के बाद। 60 के बाद तो हमारे पास जो है हाफ लाइफ टाइम बताया है उसका, जबकि ये पूछता है कि 180 डेज के बाद कितना क्या रहेगा। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला वो क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास है पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हमें कितना दिया 180 डेज बाय कितना, टी हाफ हमें कितना दिया है, टी हाफ हमें दिया है यहाँ पे 60, कितना आ जाएगा 3, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आई यहाँ पे 3 आई। अब हम वो फॉर्मूला जो अभी मैंने पीछे बताया था क्या यूज़ करेंगे, देयर इज़ द फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल बाय 2^n। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, अगर इनिशियल हमारे पास क्या है 100 है, इनिशियली हमारे पास 100% थी, तो अब हमें तो ये देखना है 180 डेज के बाद कितना परसेंट अभी हमारे पास रहा है। तो इनिशियल हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे कि 100% था हमारे पास इनिशियली। यहाँ पे हम 2^ कितना करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ देर इज़ द 3, यानी कि 100/8 आंसर कितना आ जाएगा 12.5%, ये फाइनल क्वान्टिटी अभी हमारी रहती है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, देर इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये कहता है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में, यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन है। वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमारी कहाँ आई थी बच्चों, अगर आपको पता हो तो स्ट्रेट लाइन हमारी जो है किस ऑर्डर में आई थी, ज़ीरो में आई है, फर्स्ट में आई है, सेकेंड में आई है, थर्ड में आई है, बताइए। ज़ीरो ऑर्डर में, ज़ीरो ऑर्डर में हमने देखा था कि जो टाइम था वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हमारे रिएक्शन का ऑर्डर ही क्या था, ज़ीरो था। क्लियर है। तो ये वहाँ से पता लगा हमें। नेक्स्ट वन इज़ द, मैंने बताया था आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, मोल 1 - n एंड लीटर 1 per second। ये फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, इस फॉर्मूले बेस से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आप देखें, द यूनिट पर मोल पर लीटर पर सेकेंड ऑफ रेट कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर। आपको जो है ये यूनिट गिवन है, इसको देखकर ये बताना कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, ऑर्डर बताना हमें। तो देखिए हम ये जो है फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/1 पुट करेंगे, 1 - 0, 1 - 0 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आएगा। चलो हम 1 पुट करके देख लेते, तो 1 - 1 यानी कि मोल की पावर 0 होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पुट करके देखते हैं, मोल 1 - 2। अब इस केस में जो है -1 आ रहा है, बट अब आगे हम लीटर का और देख लेते हैं, क्या लीटर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लीटर, लीटर में हमें क्या पुट करना है, 2 - 1 यानी कि लीटर की पावर +1 और आगे आपका पर सेकेंड है। गैस यानी कि ये रिएक्शन जो है हमारी कौन सा ऑर्डर रहेगा, इस रिएक्शन का सेकेंड ऑर्डर। क्लियर। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सम अदर न्यूमेरिकल्स।